हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारे आज का टॉपिक के क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक, इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक, क्यू बेंडिंग टेक्निक, जी बेंडिंग टेक्निक, सी बेंडिंग टेक्निक, आर बेंडिंग टेक्निक, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से वर्तमान समय में क्रोमोसोम को पहचानने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसे क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक कहते हैं। वर्तमान समय में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र को पहचानने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसे क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक कहा जाता है। क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक क्रोमोसोम बेंडिंग क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं जो कि पास के क्षेत्रों की अपेक्षा हल्के और गहरे रंग के होते हैं। क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक में क्रोमोसोम को किसी विशेष स्टेनिंग विधि के द्वारा अभिकृत किया जाता है जिससे ये बेंडिंग अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम की पहचान कर ली जाती है। यह चार टाइप्स की होती हैं जो निम्नलिखित हैं। क्यू बेंडिंग टेक्निक, इस टेक्निक में क्यू स्टेनिंग विधि का यूज़ करके क्रोमोसोम को अभिकृत किया जाता है। क्यू स्टेनिंग विधि में क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए क्विनिक्विन यौगिक का यूज़ किया जाता है जो क्रोमोसोम पर क्यू बेंडिंग प्रतिदीप्ति करता है। यह प्रतिदीप्ति टेक्निक है। यह क्रोमोसोम प्रिपेयर्ड बाय द क्यू बेंडिंग टेक्निक का डायग्राम है। जी बेंडिंग टेक्निक, इसे गिप्सा बेंडिंग टेक्निक कहते हैं। इस विधि में जी स्टेनिंग विधि द्वारा क्रोमोसोम को अभिकृत किया जाता है। जी स्टेनिंग विधि में क्रोमोसोम को गिप्सा से स्टेन करते हैं जो क्रोमोसोम पर जी बेंडिंग उत्पन्न करते हैं। सी बेंडिंग, इस टेक्निक में क्रोमोसोम के सेंट्रोमेरिक एवं हेटरोक्रोमेटिक क्षेत्र सी बेंडिंग द्वारा स्टेन किए जाते हैं। आर बेंडिंग, यह टेक्निक जी बेंडिंग टेक्निक के विपरीत होती है। इस टेक्निक द्वारा क्रोमोसोम को अभिरंजित करके आर बेंडिंग उत्पन्न किए जाते हैं। कंक्लूजन, क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक है जिसके द्वारा किसी क्रोमोसोम को पहचान करने के लिए क्रोमोसोम के विशेष स्टेन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसके लिए सी क्यू जी आर बेंडिंग विधियों में लाई जाती है। रेफरेंस हैं बायोफिजिकल केमिस्ट्री बाय उपाध्याय नाथ।